Hey guys, welcome back to your another video. So guys, in today's videos we are gonna be changing the coolant of R15. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम लोगों की R15 का कूलेंट होता है दोस्तों, जो कि इंजन को ठंडा रखने में मदद करता है, उसको दोस्तों हम लोग चेंज करने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही शानदार वीडियो रहेगी और आप लोगों के बहुत काम आएगी। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये हमारी R15। तो दोस्तों इसको हम लोगों को सबसे पहले खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोगों को क्या क्या खोलना है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। हम लोगों को दोस्तों ये सबसे पहले राइट वाला पैनल खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसका कूलेंट यहाँ अंदर साइड होता है। और दोस्तों राइट वाले पैनल को खोलने के साथ ही हम लोगों को ये नीचे का पैनल भी खोलना पड़ेगा। और दोस्तों लेफ्ट साइड का सेम इसी तरह पैनल आपको खोलना पड़ेगा, जो कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो वीडियो में जाली जाली वाला। और दोस्तों मैं बता दूँ, जो बीच का पैनल होता है दोस्तों, जो आप देख रहे हो साइड पैनल के थोड़ा सा बिसाइड है, पीछे है, तो दोस्तों ये भी आप लोगों को खोलना पड़ेगा दोनों तरफ के। दोस्तों एक तरफ से हमारा काम नहीं चल रहा, दोनों तरफ से खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका बॉक्स लगा होता है और वहाँ पे उसका कूलेंट डालने का लगा होता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे देखते रहिए कैसे हम लोग खोलेंगे। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों का राइट साइड का ऊपर का पैनल निकल गया है। अब जो दोस्तों ये वाला पैनल है ये निकलेगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को मैं कूलेंट का दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों का राइट पैनल निकल गया है। और दोस्तों ये लोग, ये जो आप डब्बी देख रहे हो यहाँ जिस पे डेंजर करके लिखा हुआ है, यही दोस्तों कूलेंट की हमारी डब्बी, यहाँ से रिफ़िल होता है कूलेंट। और दोस्तों जो लेफ्ट साइड है हमारा, वहाँ पर स्टोर होता है, मैं वो भी अभी आपको दिखाऊँगा बॉक्स। हम लोग ये वाला पैनल खोलना है। तो दोस्तों हम लोग उसके पहले नीचे वाला पैनल खोलना पड़ेगा दोनों साइड का, जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था वीडियो में। वैसे दोस्तों मैं बता दूँ, उसके स्क्रू थोड़े अलग टाइप के रहते हैं R15 के, तो आप लोगों को उसके लिए ऐसे टूल्स की जरूरत पड़ेगी जो हमारे पास दिख रहा है। एलन की और स्क्रू ड्राइवर, एलन की बोलते हैं इसको, और स्क्रू ड्राइवर, तो आप लोगों को बताइए दोस्तों कॉमन चीज़ है। तो आप लोगों को इन दो टूल्स की जरूरत पड़ेगी, पर इसमें से स्पेशल एलन की दोस्तों वैसे मिल जाती मार्केट में, पर इसकी जरूरत पड़ती है दोस्तों R15 के स्क्रूज खोलने में। तो दोस्तों हम लोग जो वीडियो में स्क्रूज़ दिखा रहे हैं, इनका आप ध्यान रखिएगा, वरना अगर आपने कोई भी स्क्रू छोड़ दिया तो आपका पैनल टूट सकता है। और वैसे ही R15 के पैनल बहुत नाजुक होते हैं दोस्तों, तो स्क्रूज़ का ध्यान रखिएगा जो जो हम लोगों ने दिखाए हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे छुपे हुए रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा अभी शुरू शुरू में नीचे साइड भी थे कुछ। हाँ, पहले सारे स्क्रूज निकाले हैं तभी खींचना पैनल, नहीं तो टूट जाएगा, नखे टूट जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो वीडियो में, हम लोग का लेफ्ट साइड का पैनल भी खुल गया है। और दोस्तों मैं जो जिस बॉक्स की बात कर रहा हूँ जिसमें हम लोग का कूलेंट स्टोर रहता है दोस्तों, वो ये है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला बॉक्स है। ये बीच वाले पैनल को जब हम लोग खोलते हैं यहाँ वाले, तो हम लोग को ये दिखता है वाइट कलर का, इसमें पूरा कूलेंट आके स्टोर होता है दोस्तों। और आप लोग को ये थोड़े टाइम में चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ये मेन अपने इंजन को गर्म होने से बचा रहा होता है। और दोस्तों आप लोगों को ये थोड़े टाइम में चेंज कर लेना चाहिए, इसमें मतलब धूल वूल थोड़ी बहुत घुस के ख़राब हो जाते हैं, थोड़े टाइम में अपने आप ही ब्लैक टाइप का बन जाता है। मतलब पूरा दोस्तों ब्लैक नहीं दिखेगा, ग्रीन ही रहेगा, पर हल्का सा ख़राब हो जाता है, इसलिए हम लोग को चेंज कर लेना चाहिए। और ये मेन रिलेटेड भी इंजन से है दोस्तों, तो अगर इंजन में प्रॉब्लम आएगी तो आप लोगों को पता ही R15 का इंजन कितने का आता है।
दूर हट जा, चटक जाएगा मेरा हाथों मोबाइल जाएगा मुझे क्या दाइट लगा हुआ है खुला नहीं। तो दोस्तों हम लोगों की बाइक खुल चुकी है। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को यहाँ से कूलेंट को ड्रेन करना होगा। यहाँ पे एक नीचे बोल्ट दिया रहता है दोस्तों, हम लोग R15 V2 में भी और V1 में भी बोल्ट है ना इससे दोस्तों। रुकिए मैं दिखा दूँ दोस्तों आप लोग को, इस वाले को खोलना है हमको 10 नंबर के पाने से खुलेगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो वीडियो में हम लोगों ने खाली कर रहे हैं, ये बोल्ट हमने निकाल दिया यहीं से। R15 का पुराना कूलेंट निकल रहा है आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों इसको पूरा कम्प्लीटली निकलने देते हैं और ये हमारा कूलेंट पूरा निकल गया लगभग दोस्तों। रिजर्वायर का भी निकालना है। फिर दोस्तों ये जो हम लोगों का साइड में बॉक्स होता है जो मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें पूरा स्टोर रहता है, उसका भी हम लोगों को पूरा खाली करना पड़ेगा और फिर नया डालना पड़ेगा। हाँ कूलेंट है। तो दोस्तों हम लोग इसका पूरा कूलेंट साफ़ करने के लिए जो बचा कुचा टैंक में जमा होगा उसके अंदर, उसके लिए हम लोग दोस्तों इसको पानी से भी साफ़ करेंगे। तो पानी इसमें पहले रिफिल करके हम लोगों को नीचे से फिर से निकालना है, दिखा दूँ। ये देखिए दोस्तों नीचे से निकल रहा है, तो जितना भी हरा हरा पानी दिख रहा है आप लोगों को वो अंदर जमा हुआ कूलेंट था जो पुराना कूलेंट था। तो दोस्तों पुराने कूलेंट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया वीडियो में, तो उसको निकालना भी ज़रूरी है इससे पहले कि हम नया कूलेंट भरें। तो इसमें डालेंगे कैसे भाई पाइप से? हाँ तो दोस्तों अभी जो हमने बोल्ट निकाला था ड्रेन बोल्ट, हम उसको अपने वो जगह वापस लगा देंगे। और दोस्तों इस ड्रेन बोल्ट को ना ज़रा टाइट नहीं करना है, अपन हल्का सा ही टाइट करेंगे बहुत, क्योंकि स्लिप व्लिप हो सकते हो के ख़राब हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा सर्वो वाला कूलेंट। तो मैं इसको पहले इस कंटेनर में 300 ml निकाल लेता हूँ। दोस्तों यहाँ तक है 300 ml।
तो 300 ml हो गया, तो हम बाकी का बंद कर देते हैं ये। अब दोस्तों हम इसको इस बॉटल में उतार लेते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा डिस्टिल वाटर, तो मैं दोस्तों डिस्टिल वाटर इसके अंदर 700 ml मिलाना है। और दोस्तों मैं दोस्तों ये मैंने पहले 500 ml निकाल दिए हैं, इसके बाद मैं 200 ml और ले लूँगा तो 700 ml हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये कंटेनर टोटल 600 ml का ही है। दोस्तों 200 ml और हो गया, और दोस्तों ये हमारा 1 लीटर कूलेंट तैयार हो गया है R15 बाइक में डालने के लिए। तो दोस्तों मैं इसमें कैप लगा के इस बॉटल में इसको शेक कर लूँगा अच्छे से, तो मिक्स हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा कूलेंट तैयार है, अब अपन इसको साइड में रखते हैं और दोस्तों बाइक की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिजर्वायर में वापस भर लेंगे कूलेंट, इसको फुल कर लेंगे। ये फुल हो गया, इसमें इसका कैप वापस लगा। इतना पूरा जाएगा इसमें, फिर बचेगा इतना, उसमें भर रहा तबर फुल करने के लिए। तो दोस्तों हम लोग कूलेंट पूरे भर चुके हैं, अब इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। हमने पूरा दोस्तों ढक्कन भी साफ कर लिया था, जिससे जो पुराना कूलेंट का कुछ भी अगर जरा सी भी बूंद हो वो भी साफ़ हो जाए अच्छे से। तो दोस्तों हम लोग का पूरा कूलेंट चेंज करने का आज की यही थी वीडियो, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो किसी भी मतलब चीज़ से रिलेटेड, कोई भी परेशानी आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।